हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। आप देख रहे हो अभी i20 और अभी हम आपको दिखाई देंगे i20 की ड्राइव। अब आप लोग सोचोगे कि यार i20 की ड्राइव तो सबको पता है कैसी होती है, तो हम लोग थोड़ा यूनिक दिखाएंगे जिसमें आपको IMT चला के दिखाएंगे। तो IMT चलाना बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि IMT को कैसे ड्राइव करते हैं या फिर उसके क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। तो मैंने आज तक IMT नहीं चलवाई कभी भी, तो IMT मैं भी पहली बार चलाऊंगा। आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशंस दिखाता हूँ उसके। यहाँ से आपको पता लगता है कि ये टर्बो GDI की बैजिंग से कि ये आपकी जो गाड़ी है ये आपकी टर्बो है 1.0। अब बाकी इसकी कीज की बात कर लेते हैं। कीज आपको नॉर्मल सी मिलती है, जैसे गाड़ी आपकी लॉक है यहाँ पे लॉक कर देते हैं। दूर से आप जैसे ही आओगे गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाती है और इसको आप ओपन करो यहाँ से। और जैसे ही आप अंदर बैठते हो, अब दिखाते हैं आपको इसकी ड्राइव। जैसे ही आप अंदर बैठोगे आपको अपना क्लच पेडल दिखाई नहीं देगा, ओनली ब्रेक और एक्सेलेरेटर आपको दिखाई देंगे। गाड़ी को कर लेते हैं बंद, जो कि एक उंगली का काम है भाई। हुंडई ये तो फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते आप 2-star rated 3-star rated गाड़ियों से। बाकी इनिशियल एक्सप्रेशंस बता देता हूँ मैं। जैसे ही आप स्टार्ट करते ये मीटर तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा आवाज़ अगर आप देखोगे थोड़ी सी वाइब्रेशन एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड जो इसका मिलता है 82 BHP वाला 1.2, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी बस। बाकी कोई गियर लॉक वगैरह ऐसी कोई वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। तो आगे अब आपको ड्राइव करके दिखाते हैं, लेकिन आदत वही रहेगी अपनी कि क्लच दबा के मैनुअली पहला गियर लगाना। तो फिर क्लच दबाने के थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं इस वाले पैर को, ताकि डर ना लगे, और एक ही पैर से काम चलाना है अब। तो ये जो चीज है अपनी, ये सेमी ऑटोमेटिक हो गई अब। AC चला लेते हैं। AC चलाते ही तो आवाज एकदम बढ़ जाती है गाड़ी के अंदर, जबकि फैन स्पीड सिर्फ एक पे ही है, तो ये AC की आवाज इतनी ज्यादा है। तो देखो इसको यहाँ पे आप उठा के आप अपना ऐसे रिवर्स लगा सकते हो। कैमरा क्वालिटी आपकी ये रही जो डिसेंट एनफ है। पार्किंग सेंसर आपको दो ही दिख रहे होंगे, एक दो। अब इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, तो आदत नहीं है लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमने पहला गियर लगाया, सीट बेल्ट पहन लेता हूँ मैं। देखो जैसे पहला गियर में लगा रखा है मैंने, मेरे पैर दिखाना एक बार। मैंने कोई रेस पे पैर नहीं दिया अभी तक, पहला गियर लगा हुआ है। तो फिर ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्होंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है और जिनको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए। तो फिर अपना हैंड ब्रेक डाउन किया, गाड़ी बंद भी नहीं होती और अपनी स्टार्ट हो गई। पहले गियर में ही आपकी बढ़िया खींच दी है। अभी मेरी आदत जो थी अभी जा रहा था मेरा पैर उसकी तरफ, ब्रेक की वो क्लच की तरफ, लेकिन फिर याद आया कि आप अपना नॉर्मली ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, सेकंड गियर लगा सकते हो सीधा। तो सेकंड गियर के बाद अभी थर्ड लगा के देखते हैं। फिर एक दो चीजें जो डाउट में है वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। जैसे हमने इस गाड़ी को खींच दिया अभी, अभी ये चल रही है आपकी 74, सीधा लग जाएगा। हाँ, दो के बाद सीधा चौथा भी लग सकता है, चार के बाद सीधा छठा भी लग जाएगा। अब एक जो चीज चेक करनी है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात वो हमको ये करनी है कि जैसे हमने इसको ऊपर किया, 3 जाएगी भाई, 3 पे भी जा रही है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं लग रही कि कहीं पे भी आपको कोई लैग फील हो या जर्क फील हो, या फिर आप AMT वगैरह जो आते हैं उनसे ये लाख गुना बेटर है, क्योंकि आपको AMT में जर्क फील होते हैं, इसके अंदर आपको जर्क फील नहीं होगा बिल्कुल भी। अब एक और चीज इसकी ट्राई करनी है जो हमें, ये देखो पहला गियर लगाया, धीरे धीरे चलनी चालू हुई। अब रेस दी चालू, अब मेरे को ये देखना है कि कम स्पीड पे अगर हम इसका छठा गियर लगाते हैं तो क्या होगा। ये देखो इधर दिखाओ, फिर से लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर जूम करना। छठा लगा दिया, प्लीज शिफ्ट डाउन। गाड़ी पंजे, अगर आप पंजा दबा रहे हो तो फिर गाड़ी आपको आगे लेके ही नहीं जाएगी। चौथा लगा के देखते हैं एक बार इसी स्पीड पे, 10 की स्पीड पे चौथा लगा के देखते हैं। फिर से वही, तीसरा, फिर से वही, दूसरा इसने उठा लिया। तो इसलिए इसको कहते हैं इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, कि ये अपने हिसाब से अपने आप देख लेगी कि कौन सा गियर लेना है कौन सा नहीं लेना। तो अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको ये अपने माफ भी कर देती है और आपको बता देगी कि आप अपना डाउन शिफ्ट करो या अप शिफ्ट करो। अभी जैसे फोर्थ गियर है, हमने स्पीड तो कम कर ली, स्पीड कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब एक बार रोक ही देते हैं गाड़ी को चौथे गियर में। ये लो भाई, जैसे ही हमने रोकी, प्लीज शिफ्ट डाउन,
अभी भी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, अपना चौथा लगा हुआ है लेकिन वो चलेगी नहीं। आप इसको नीचे न्यूट्रल करोगे, पहला गियर लगाओगे तभी चलेगी। एक और चीज चेक कर लेते हैं, दूसरे गियर में गाड़ी उठती है या नहीं उठती। ये हमने सेकंड लगा दिया है भाई, उठ रही है, तो दूसरे गियर में गाड़ी उठ जाती है। अब तीसरे में चेक करते हैं, तीसरे में नहीं उठेगी। तो दो गियर तक गाड़ी इसमें उठ जाती है। बाकी स्टेयरिंग का फीडबैक मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। लो स्पीड पे तो बहुत ही बेकार है, बट हाई स्पीड होने के बाद ठीक फील आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक और दिखा देते हैं आपको, ब्रेक भी ठीक है पर इतने भी खास नहीं है। पीछे आपको डिस्क नहीं मिलेंगे, पीछे की तरफ आपको ड्रम ही मिलते हैं। तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ इस टेक्नोलॉजी से, IMT से। तो जिसको ज्यादा बजट नहीं है DCT लेने का, वो IMT लेके अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है ना, वो पैरों के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है ट्रैफिक के अंदर। हाथ तो अपना आराम से ऐसे गियर आप लगा सकते हो, तो इसमें आपको दोनों फील मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस ये था हमारा। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो भाइयों, तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।